वेलकम टू लॉर्ड ऑफ रोड्स। लॉर्ड ऑफ रोड्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैं CV 300F के बारे में सारे डिटेल्स रिव्यू किया था, बेसिकली टेक्निकल्स रिव्यू किया था, पर आज इसका EMI स्कीम बताएंगे, कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, लेटेस्ट प्राइस क्या, सारे सब कुछ आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज इस बाइक के बारे में बात करेंगे, वो है CV 300F, जो लास्ट वीडियो में आपने देखा था। पर ज्यादा टेक्निकल में बात किया जाए, आज टेक्निकल बहुत कम बात करेंगे। जो लोग नई वीडियो देखे हैं लास्ट वाले, उनके लिए थोड़ा सा टेक्निकल बता देंगे। पर आज हम लोग का जो मेन पर्पस है वो है, अगर कोई ये बाइक खरीदना चाहता है तो मिनिमम कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, क्या EMI स्कीम है, वो डिटेल्स में थोड़ा जानेंगे। उससे पहले थोड़ा सा बता दीजिए कि इस बाइक में मतलब क्या डिफरेंस है, मतलब क्यों ये बाइक लोग इतना इंटरेस्ट है लेने में। 110 इसका टायर है फ्रंट एंड पीछे आपको 150 मिलती है रेडियल में। और यूएसडी सस्पेंशन भी है, यूएसडी सस्पेंशन आप सिटी साइड में भी चला सकते हो, ऑफरोडिंग कर सकते हो, लॉन्ग टूर के लिए भी ये बाइक। आप लाइक अगर आप टूर करना चाहते, मैं यही बोलूंगा कि अगर आप टूर करना चाहते हो स्पोर्ट्स बाइक में, तो इससे बेहतर आपको बाइक नहीं मिलेगी। विद पावर कंसोल एंड माइलेज, यही चीज है। 30 से लेकर 35 तक आपको मिल जाएगा। 35 माइलेज का मिल जाएगा बाइक है जो 35 मतलब, और उसे डिपेंड ऑन द राइडिंग कंसोल ना, अगर आप जैसे राइड करोगे उस हिसाब से आपका माइलेज मिलेगा। अगर आप हाउ टू सेव पेट्रोल वीडियो देखना है, जैसे पेट्रोल सेव करना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, उसमें आपको काफी नॉलेज मिल जाएगा। एक बाइक को अगर माइलेज बढ़ाना है तो कौन कौन सा चीज फॉलो करने से आप इस बाइक से भी अच्छा माइलेज आप निकाल रहे हैं, राइट। सिंपल सी चीज आप जाके देख सकते हो। तो पहले ये बताइए अभी कौन कौन सा कलर अवेलेबल है। कलर मेरे पास रेड भी है, ब्लू है और एक ब्लैक आती है। ये तीन कलर आते हैं और तीन कलर ही मेरे पास अवेलेबल है फिलहाल। ब्लैक मेरा गोडाउन में, वो कुछ ही दिनों में आ जाए। तो अभी हम होंडा बीक्विन टॉप लाइन में है, जो AGC बोस रोड में कोला मंदिर क्रॉसिंग में, यहाँ पे सारे बाइक्स का शोरूम मिल जाएगा आसपास सभी। तो इस शोरूम का सारे डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप कॉन्टेक्ट करके प्राइस पूछ सकते हैं इनको, जो भी सवाल है क्लियर कर, जो भी सवाल रहता है कमेंट वाला चीज वो देख लेंगे। और आपको फोन करना तो मेरे को बता दीजिए, मैं आपको कोई भी डिटेल्स है ओवर द फोन, मैं जितना हो सके कोशिश करूंगा कि डिटेल्स आपको दे पाऊँ। तो अभी जैसे हम लोग फाइनेंस के लिए मतलब ज्यादा स्पेशली वीडियो बना रहे हैं, okay. तो अभी ऑन रोड प्राइस कितना चल रहा है इस बाइक का? 2,75,000, लाइक 2,69,000 से स्टार्ट होता है, 2,75,000 में। 2,69,000 से स्टार्ट होता है, मतलब कुछ डिफरेंसेस है, और 2,75,000 तक ये आपको ऑन रोड मिल जाएगा, राइट। तो इसी से जैसे हम लोग का आज का जो स्पेशल मोटो था, मतलब इस बाइक का रिव्यू ऑलरेडी कर चुके हैं, तो फाइनेंस की अगर कोई ये बाइक खरीदना चाहता है तो मिनिमम सिर्फ थंब रूल हम लोग को पता है, जो भी ऑन रोड प्राइस होगा उसमें 20% भैया वही बोलने जा रहे हैं, तो 20% आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से कितना डाउन पेमेंट है, और EMI जो मंथली है 5 साल के लिए और 3 साल के लिए, right. तो थोड़ा सा एक बार ब्रेकअप बता दीजिए। सी आपका अगर डाउन पेमेंट होता है तो मिनिमम डाउन पेमेंट होना चाहिए इस बाइक के लिए 55,000 से लेकर 60,000। वो तो बहुत कम, 55,000 से लेकर 60,000 डाउन पेमेंट करके इतना बढ़िया बेहतरीन बाइक आप नहीं, इससे भी कम हो सकता है। अगर जैसे कि मैं पहले ही बोला हूँ कि मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ है, प्रोफाइल अगर अच्छा है, रिपेमेंट अच्छा है, सिविल स्कोर अच्छा है, तो हम लोग उससे भी कोशिश करते हैं कम में। अगर क्लाइंट मतलब कोई भी कस्टमर बोलते हैं कि मिनिमम डाउन पेमेंट क्या होता है, तो हम लोग 20% बताते हैं, बट अगर प्रोफाइल सही रहता है ना तो हम लोग 10% में भी कर देते हैं, पर टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड होता है उसमें भी। मतलब अगर अपना सिविल स्कोर अच्छा रहे, अगर डॉक्यूमेंट सारे क्लियर है, वो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, वो बैंक वाले के होते हैं, वो बैंक वाले आपको डील करते हैं, उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। हम लोग का काम रहता है कि आपका और बैंकर का जो रहता है वो ट्रांसपेरेंसी रखने का, कोई भी एक पैसा ज़्यादा या कम नहीं जाए। उस हिसाब से अगर मान लीजिए कोई 55,000 डाउन पेमेंट एवरेज कर देता, तो अगर आप लाइक 55,000 से लेकर 60,000 डाउन पेमेंट करते हैं, तो आपका डाउन पेमेंट तो ये हो गया 3 साल का, आपका EMI आएगा 7,800 से लेकर 7,900। अगर आप 5 साल के लिए, क्योंकि इस बाइक में ऑप्शन रहता है 5 साल का एक्सटेंड करना, 3 साल का और 5 साल का पूरा दो ऑप्शन रहता है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, तो 3 साल का मैंने बताया, ज्यादातर कस्टमर जो होते हैं 3 साल का ही करते हैं, 3 साल। एंड मोस्ट ऑफ द कस्टमर ऐसा भी होता है कि मेरे को
लॉन्ग टर्म में जाना है और ईएमआई कम करवाना है, तो आप जैसे ईएमआई मतलब जितना डाउन पेमेंट ज़्यादा दोगे ईएमआई उतना कम है, वही पॉलिसी है। पर अगर आप मिनिमम डाउन पेमेंट में लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो लाइक 55-60 में अगर आप करते हो एंड वो 5 साल के लिए होता है तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 6,000-6,500 मंथली देके आप ये बाइक आराम से। तो चलिए इस बाइक में बैठ के एक बार 100 नोट भी आपको सुना देते हैं कि एकदम रिफाइंड बाइक है और न्यूली लॉन्च है। तो चलिए बाइक को कर दिया ऑन। तो वैसे ही काफी बढ़िया साउंड है और 300 सीसी में एक मतलब पावर है इंजन में, 300 सीसी है पर काफी पावरफुल इंजन है। आप इसको लेके आप कोशिश कीजिए बहुत जल्दी और एक वीडियो बनाने का कि टेस्ट राइड वीडियो, क्योंकि हम लोग में टेस्ट राइड वीडियो भी आ गया। अगर कोई भी कस्टमर को टेस्ट राइड लेना है कोई भी बाइक का, प्लीज डू लेट मी नो कि कौन सा बाइक का चाहिए एंड प्लीज भैया को भी बताया तो कमेंट कीजिए कि कौन सा वीडियो, कौन सा चीज आपको अच्छा लगा, कौन सा बाइक आपको अच्छा लगा, कौन सा बाइक का आपको टेस्ट राइड भी चाहिए, वो चीज आप मेंशन कीजिए। अगले वीडियो में टेस्ट राइड भी बताऊंगा कि इस बाइक का टेस्ट राइड क्या फील है, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, सब कुछ शेयर करूंगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आज होंडा सीवी 300F के बारे में पूरा डिटेल्स बताया, ईएमआई स्कीम बताया, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइए और इसके साथ जो मैं सेफ राइडिंग वाला वीडियो बनाता हूँ जरूर चेक कीजिए। अगर आप रेगुलर बाइक राइड करते हैं तो सेफ राइडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो चेक कीजिए कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे के लोकेशन में दूसरा कोई सुपर बाइक लेके, तब तक के लिए सेफ राइड, सेफ लाइफ।